क्या इंसान इस दुनिया से खत्म होने की कगार पे है, और अगर हाँ तो कैसे? तो दोस्तों, ये जो पहला सवाल है इसका जवाब है हाँ, और ये कैसे होगा ये आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगा, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। हाल ही में ब्रिटिश कॉस्मोलॉजिस्ट ब्रेंडन कार्टर ने इस दिन पे बात की थी और इस दिन को डूम्सडे के नाम से कहा था। तो ये जो वीडियो है इसमें हम उन फैक्टर्स यानी उन घटनाओं पे बात करेंगे जिसके कारण इस धरती से मनुष्य जाति और सभी जीवित प्रजातियों का खात्मा हो सकता है। ये जो घटनाएं हैं इनमें से कुछ प्राकृतिक है और कुछ इंसानों की करामात। ये घटनाएं मौजूदा जनरेशन के लाइफ टाइम में ही होंगी। ब्रेंडन कार्टर ने ये भी कहा था कि दिस जनरेशन इज द मोस्ट अनलकीस्ट वन ऑफ ऑल। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे और बहुत अच्छे होंगे। तो हमेशा की तरह इस वीडियो से पहले, अगर आप नए हो हमारे चैनल पर तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगता है तो इस वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। हम सब जानते हैं कि इंसानों की गतिविधियां इस धरती पर रहने वाले हर एक जीव को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है, और ये कतई भी हालात को सुधरने में मदद नहीं कर रही है। इस बात का अंदाजा ऐसे लगाया जा सकता है कि मौजूदा एनिमल एक्सटिंक्शन रेट पहले के मिले एक्सटिंक्शन रेट से हजार गुना ज्यादा है, और इन सब के बावजूद हम अभी भी डार्टेड स्नेल और रेड स्क्विरल के लिए परेशान हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो अगले एक्सटिंक्शन लिस्ट में इंसानों का नाम टॉप पर होगा। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। एस्ट्रॉइड इंपैक्ट यानी उल्कापिंड से टक्कर। हाँ, आप ऐसा कह सकते हो कि अगर एक बार इस खतरनाक आपदा को हॉलीवुड या बॉलीवुड का मसाला लग गया तो फिर इसे सीरियसली लेना बेहद ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि धरती से उल्कापिंड टकराएगा, और इसके लिए हमें लाखों साल इंतजार करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हम सब जानते कि ऐसा पहले भी हो चुका है। ऐसे ही एक एस्ट्रॉइड ने धरती पर से डायनासोर जैसे जानवरों का खात्मा कर दिया था। हाल ही में हम ऐसे ही एक टक्कर से बाल बाल बचे हैं। एपोसिस नाम का एक एस्ट्रॉइड 2004 में पृथ्वी के बेहद ही पास से होकर गुजरा था, और वैज्ञानिकों ने इसे एक बड़े खतरे के रूप में दर्ज किया था। उन्होंने इसके मूवमेंट को एनालाइज करके ये पता लगाया कि 2029 में ये एक बार फिर धरती के बेहद ही करीब से गुजरेगा, और अगर ये धरती से उस वक्त टकराया तो महाप्रलय मचा सकता है। अगर 2029 में हम इसके टक्कर से बच भी गए तो ये 2036 में दोबारा लौट के आएगा, और उस वक्त हम इसके टक्कर से बच नहीं पाएंगे। अगर ये टक्कर होती है तो इसका इम्पैक्ट जो होगा वो हिरोशिमा में गिराए गए परमाणु बम से भी 10 लाख गुना ज्यादा होगा। ये जो धमाका होगा वो इतना खतरनाक होगा कि इसके कारण धरती से जीवन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। गामा रे बर्स्ट यानी गामा किरणों का धमाका। अगर आप आसमान को गामा रे विजन के साथ देखते हो तो आप हैरान रह जाओगे गामा रे की बारिश को देखकर। दिन में कम से कम एक बार ये गामा रे आउटबर्स्ट होता ही है, जो हमारे एटमॉस्फेयर को रोशन कर देता है और परक झपकते ही खत्म हो जाता है। हाल ही में इन गामा रेस के ऊपर स्टडी की गई थी। इस स्टडी में बेहद ही चौंका देने वाली बातें सामने आई। ये जो गामा रे होता है ये असल में दूसरे गैलेक्सीज के कारण पैदा होता है। ये हमारे सूरज से भी 10 क्वाड्रिलियन टाइम्स ज्यादा एनर्जेटिक होता है, यानी एक के बाद 16 जीरोस। ये जो गामा रे होता है ये असल में दो डेड स्टार के कोलैप्स होने यानी उनके टकराने से पैदा होता है। इसकी ताकत इतनी होती है कि हजार लाइट ईयर दूर तक महसूस किया जा सकता है। फिलहाल धरती का एटमॉस्फेयर और उसकी मैग्नेटिक फील्ड इस बर्स्ट से इसे बचा रही है, लेकिन फ्रेंड धरती की मैग्नेटिक फील्ड धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है, और हो सकता है कि अगले 100 साल के अंदर हमें गामा रेस के असर देखने को मिल सकते हैं। अगर ये गामा रे बहुत ज्यादा ताकतवर हुआ तो हमारे एटमॉस्फेयर से ओजोन लेयर को जला देगा, और इसके कारण धरती से जीवन तुरंत नहीं लेकिन बहुत बुरी तरह से रेडिएशन के चपेट में आकर धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। रोग ब्लैक होल यानी दुष्ट ब्लैक होल। हमारा ब्रह्मांड ब्लैक होल और कोलैप्स स्टेलर स्टार यानी डेड स्टार से भरा पड़ा है। इन्हें ब्लैक होल यूं ही नहीं कहा जाता, इनके पीछे भी एक कारण है। इनकी गुरुत्वाकर्षण ताकत बहुत ज्यादा होती है, जिसके कारण ये सभी चीजों को निगल जाते हैं, यहाँ तक कि इनसे लाइट भी नहीं बच सकती। हाल ही के ऑब्जर्वेशन में ये पता लगा कि केवल हमारे मिल्की वे में ही 1 करोड़ से ज्यादा ब्लैक होल मौजूद है। अभी भी बहुत सारे ब्लैक होल्स का पता नहीं लग पाया है। इसका कारण इसका काला रंग है। इनका पता तभी लग पाता है जब ये किसी तारे को निगल रहे हो, या फिर कोई तारा धरती और इस ब्लैक होल के बीच से गुजरे। ये इतने ताकतवर होते हैं कि इन्हें धरती के पास आने की जरूरत भी नहीं है।
बस अगर ये हमारे सोलर सिस्टम के करीब से भी गुजर जाएं, तो पूरे के पूरे प्लैनेट्स को उनके ऑर्बिट से हिला देंगे और फिर क्या, बाकी की सभी चीजें प्लैनेट्स खुद ही कर लेंगे। सुपर वोल्केनो इरप्शन यानी ज्वालामुखीय विस्फोट। धरती पर होने वाली वॉल्केनिक धमाकों ने धरती पर कई बार जीवन को अस्त व्यस्त किया है और काफी नुकसान भी पहुंचाया है। ऐसा ही एक ज्वालामुखी माउंट तंबोरा जो इंडोनेशिया में मौजूद है, जिसने अप्रैल 1816 में बहुत ही भारी तबाही मचाई थी, जिसमें 92,000 लोगों को अपने जान से हाथ धोना पड़ा था। ये 92,000 लोगों तक ही सीमित नहीं रहा, इससे निकली राख ने आसमान को ढक लिया और फसलों को नष्ट कर दिया, जिसके कारण ये आंकड़े 1,00,000 तक पहुंच गए। ये तो सिर्फ एक नॉर्मल ज्वालामुखी था, अगर इसके जगह पे कोई सुपर वॉल्केनो फट जाता है तो क्या होगा। जो नॉर्मल वॉल्केनो होता है उसमें 1 किलोमीटर क्यूब तक की मैग्मा होती है, और वही एक सुपर वॉल्केनो में 1,000 किलोमीटर क्यूब तक की मैग्मा होती है। ये मैग्मा असल में पिघले हुए पत्थर होते हैं जिसका टेम्परेचर 1300 डिग्री सेल्सियस तक होता है। अगर एक सुपर वॉल्केनो फट जाता है तो उससे निकला हुआ राख पूरी धरती को ढक लेगा और 1 साल तक सूरज की किरणों को धरती पे आने से रोक देगा, जिसके कारण सारी फसलें नष्ट हो जाएंगी और धरती का तापमान काफी नीचे तक गिर जाएगा और इसकी वजह से लोग धीरे धीरे मरने लगेंगे। जाइंट सोलर फ्लेयर यानी विशाल सूर्य तेजाग्नि। हम जानते हैं कि सूरज पर विस्फोट होता रहता है और इन विस्फोटों में से एक विस्फोट को सोलर फ्लेयर यानी कोरोनल मास इजेक्शन भी कहते हैं। ये ऐसा मैग्नेटिक धमाका है जिसके कारण सब एटॉमिक पार्टिकल्स धरती की तरफ पहुंच जाते हैं। ये धरती के कम्युनिकेशन सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर सकता है, यहाँ तक कि बिजली और सभी टेक्नोलॉजीज को ठप कर सकता है। ये सब सिर्फ सूरज से आए हुए सब एटॉमिक पार्टिकल्स के कारण होगा, जो सूरज से लगभग 65,00,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आते रहते हैं। ये सूरज से हमेशा निकलते रहते हैं और हमारी धरती की मैग्नेटिक फील्ड हमें इनसे बचाती रहती है। लेकिन अगर ये सोलर फ्लेयर आउटबर्स्ट ज्यादा बड़ा हुआ तो ये पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड को भेद देगा और धरती पर बड़ी तबाही मचा देगा, और इसके बाद धरती की ऊपरी सतह पर रहने वाली जीवन धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी, लेकिन जो जानवर पानी के अंदर या जमीन के नीचे रहते हैं वो जिंदा रहेंगे। इनमें से चाहे जो भी कारण हो अंत का, जैसा हम जानते हैं कि हमारी धरती हमेशा जीवन रचती आई है और रचती रहेगी। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है आपका तो उसे कमेंट सेक्शन में लिख दें, हम आपके सवालों का आंसर जरूर देंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।